मेरे भाई को उठा के ले गया। साइड में रोने आ रहा था, रोना ना समस्या। मैं बचा रहा हूँ, सारे गांव वाले समस्या में। मैं देखता हूँ, सबको धमकी दे रखी है कि सबको ले जाएंगे उठा उठा के। कोई किसी को नहीं लेके जाएगा, मैं बैठा हूँ ना। बाबू बचा लो सबको, सबकी वहाँ हालत खराब कर रखी है। मैं देखूंगा ना, मैं आ गया हूँ। उनके लिए खाना तक नहीं खिला रहे, बताए हमने, सुना ही नहीं उसने कि उनको खाना नहीं खिला रहा, उनका मेडिकल भी नहीं करवा रहे। हम देखेंगे, चिंता मत। आपका घर कहाँ पूजा? अच्छा, क्या क्या हुआ पूजा, मुझे बताओ। सर यहाँ पे इसी बात का ही था कि मतलब हमारी तहसील माँ तिवली लेके गई थी ना, तो हम सबकी मांग थी कि हमारी तहसील पुनेरा ही हो, क्योंकि तिवली बहुत दूर पड़ती है और हम वहाँ तक जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी औरतें विधवाएं, गरीब है, किसी के पास बाइक गाड़ियाँ नहीं है, किसी चीज की सुविधा नहीं है और देवली बहुत दूर पड़ता है, 85 किलोमीटर, और उनियारा हमारे 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसी बात को लेकर हम सबने ये मांग की थी कि हमारी तहसील उनियारा हो, जब तक उनियारा तहसील नहीं आएगी जब तक हम वोट नहीं देंगे, ये मांग थी और कुछ ही मांग नहीं थी। नरेश मीणा को हमें यहाँ पे बुलाया गया था कि नरेश मीणा आए और हमारी समस्या दूर करे, तो वो आए और हमारे साथ खड़े थे सारे गांव वालों के साथ। तो फिर उन्होंने मतलब हमारा सबका साथ दिया, बोला कि कलेक्टर को बुलाया जाए और सबकी समस्या दूर करी जाए। तो उन्होंने सबने जनता वालों ने मांग की इस चीज की कि वो कलेक्टर आए, कलेक्टर नहीं आए तो एसपी आ जाए, एसपी कोई नहीं आए शाम तक। तो धीरे धीरे करते हम उन्होंने बोला सर इधर चालू करते 3:30 बजे से।